222 रन से पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया है। जी हाँ, बात कर रहे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के दूसरे टेस्ट मैच की, और बाबर आजम ने शोएब जट के मुंह पर जोरदार तमाचा लगाया और उन हेटर्स के ऊपर जोरदार तमाचा लगाया जो कि बाबर आजम को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बाबर आजम जो है वो टेस्ट कप्तानी के लिए नहीं है। ओए ओए ओए, क्या बात है यार, बाबर आजम आप चैट बंदे हो यार, कसम वाली बात है। बाबर आजम ने वो करके दिखाया है जो कि कोई कप्तान करके नहीं दिखा सकता और कोई प्लेयर ऐसा करके नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि लोग कहते थे कि यार अगर कोई टीम अच्छी ना हो तो उसके ऊपर, कप्तान के ऊपर जो थे वो क्रिटिसाइज करते थे कि यार ये कप्तान चेंज करो, टीम ही बदल जाएगी। लेकिन नहीं भाई, हमारे बाबर आजम चैट बंदा है, सुपरमैन बंदा है। बाबर आजम ने अपने आप को चेंज नहीं बल्कि पूरी टीम को ही चेंज कर दिया, अपने आप को यानी कि कप्तानी से नहीं हटवाया। लेकिन बाबर आजम ने ये प्रूफ करके दिखाया कि भाई मेरे जैसा बेहतरीन कप्तान इस पाकिस्तान की टीम को नहीं मिलेगा, जो कि दो मर्तबा, एक दफ़ा पाकिस्तान की टीम को फाइनल में लेके आया वर्ल्ड कप में, दूसरी मर्तबा पाकिस्तान की टीम को सेमीफाइनल खिलाया, तीसरी मर्तबा पाकिस्तान की टीम को एशिया कप के फाइनल में लेके आया, और उसके बाद जो है वो अब जाकर पाकिस्तान की टीम ने श्रीलंका में जो है वो सबसे ज़्यादा सीरीज जीती है। 5 जो टेस्ट सीरीज है वो बाबर आजम ने जीती और पूरी टीम ही बदल कर रख दिया बाबर आजम, हमारे कप्तान, हमारे वो भी हमारे किंग बाबर आजम ने। बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे पाकिस्तान को, यार पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत छोटी है, पाकिस्तान की टीम श्रीलंका में जीत जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो करके दिखाया हमारे किंग बाबर आजम ने, सलूट करते हैं भाई, एज अ फैन कीन करो पाकिस्तानी होकर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे किंग बाबर आजम अभी भी मौजूद है पाकिस्तान के पास, वो कप्तान अभी भी मौजूद है जो कि पाकिस्तान की टीम को इंशाल्लाह 2023 वाला एशिया कप और वर्ल्ड कप जिता कर लाएगा, पाकिस्तान को ट्रॉफी दिलवा कर लाएगा। मुझे उम्मीद है और यकीन करो उनको भी उम्मीद होगा जो कि पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों और साथ ही साथ पाकिस्तान ने क्रिकेट के फैंस को और साथ ही साथ पाकिस्तानी आवाम को उम्मीद है बाबर आजम से कि बाबर आजम इंशाल्लाह 2023 का वर्ल्ड कप और 2023 का जो एशिया कप है वो पाकिस्तान में लेकर आएगा। उसके बाद अब मैच के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने भाई एक तो डिक्लेयर ही नहीं हो रहे थे, बाबर आजम ने शानदार जो है वो अपनी टीम को बनाया है। पहले अगर बाबर आजम नहीं चलते तो इमाम उल हक चल जाते, अगर इमाम उल हक नहीं चलते तो सलमान अली आगा चल जाते, अगर सलमान अली आगा नहीं चलते तो साउथ शकील खड़े हो जाते हैं, अगर साउथ शकील नहीं चलते तो उसके बाद जो है वो अब्दुल्ला शफीक चल जाते हैं। इसी तरह ही पाकिस्तान की टीम ने ये मैच, ये सीरीज खेली है और शानदार जो है वो 550 प्लस रन की है, उसके बाद डिक्लेयर करके श्रीलंका को बारी दिया है कि यार आप इधर आके 300-410 रन जो है वो लीड बाय करो। लेकिन भाई आगे कौन सी टीम है? आगे पाकिस्तान की टीम है, वो टीम है जिनके पास तगड़ी बॉलिंग अटैक मौजूद है, जो कि मैं नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान जैसा वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक किसी टीम के पास नहीं है। और लोग कहते भी क्या है कि यार शाहीन शाह अफरीदी हमें दे दो और साथ ही कोई और खिलाड़ी हमसे ले लो, लेकिन नहीं भाई, हमने ना शाहीन देना है, ना नसीम शाह देना है, ना नुमान अली देना है। जो आपके प्लेयर है भाई अपने पास रखो, जो हमारे प्लेयर हैं भाई हम अपने पास रखेंगे। पाकिस्तान टीम ने आज जो है वो शानदार जीत हासिल की है और इसी के साथ पाकिस्तान टीम वही टीम बन चुकी है जो कि श्रीलंका में 5 मर्तबा टेस्ट सीरीज मैचेस जीत चुके हैं। उसके पहले जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने 4 जीती हैं और उसके बाद जो है वो इंडिया ने जो है वो 3 दफ़ा ये सीरीज जीती है। नुमान अली को सलूट करना चाहिए, जिस तरह वो पहले इनिंग्स में कुछ नहीं करते बल्कि दूसरे इनिंग्स में वो सुपर हीरो बन जाती है। क्या बात है यार, आपको पहला मैच याद होना होगा जो पहला मैच श्रीलंका के साथ हुआ था, पहले इनिंग्स में कुछ भी नहीं थे लेकिन दूसरे इनिंग्स में क्या विकटें ली थी यार, दूसरे इनिंग्स का बादशाह है नुमान अली। तो अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है, याद रखो नॉट फिनिश। जो कहते थे कि यार ये चाचा है इसको निकालो टीम से, लेकिन नहीं भाई, नुमान अली वो बंदा है जो कि पूरी टीम को अकेले ही ले जाते हैं। 7 खिलाड़ियों का आउट किया नुमान अली ने और साथ ही साथ नसीम शाह को सलूट करना चाहिए, जिस तरह का वो ग्रेट बंदा है, यकीन करो आज नसीम शाह ने क्या क्या डिलीवरी बॉलिंग की है। 10 ओवर उसने करवाए थे लेकिन उसके बाद जो है वो विकेट नहीं ले रहा था। जब 66वां ओवर शुरू हुआ था
तो यार नसीम शान इतना यानी कि एक नर्वस हो गया था, तीन बार जो है वो भाई आउट होने के चांसेस जो थे वो बच गए थे। नसीम शाह ने वहां पर अपना ही दिल तोड़ दिया और ग्राउंड के ऊपर लेट गए। लेकिन उसके बाद शानदार रिकवर के बाद नसीम शाह ने क्या विकेट लिए यार, क्या बात, 50 विकेटें अपने कैरियर के मुकम्मल कर लिए टेस्ट में। तो यही आज की वीडियो आपके लिए लेकर आया था कि किस तरह पाकिस्तान की टीम शानदार कमबैक किया पाकिस्तान ने और ये सीरीज जीती है 2-0 से। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में ही हराएगी इंशाल्लाह। और पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप भी आ रहा है और एशिया कप भी आ रहा है, ये भी तो हमने जीतना है यार, ये जीतेंगे फिर उसके बाद देखेंगे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदान में किस तरह आ रहा है। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मुहर्रम आ रहा है 9-2 मुहर्रम, इसमें हम जो है वो थोड़ा यानी कि छुट्टी करेंगे जाहिर सी बात है, और उसके बाद जो है फिर हम अपना आगाज़ करेंगे अपने नए वीडियोस के लिए। और जिसने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पेज को फॉलो नहीं किया, उसके बाद इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, टिकटॉक को फॉलो नहीं किया, सभी को फॉलो और सब्सक्राइब और लाइक कर दो। ओके अल्लाह हाफिज़। Thank you.